आज इस वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम निकाला गया है आप लोगों के लिए, जिसमें अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो हर मंथ 15,000 रुपये आप लोगों को फिक्स स्टिपेंड मिलने वाला है, प्लस आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी अर्न करने का मौका इस प्रोग्राम में मिलने वाला है। और SBI का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों को कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं करनी। जब भी हम लोग देखते हैं कि SBI की तरफ से या फिर इस टाइप की कोई नोटिफिकेशन होता है हमें कोई अमाउंट पे करना पड़ता है, बट आप लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हो इस प्रोग्राम के लिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जो भी लोग एलिजिबल होने वाले हैं सब लोग जरूर अप्लाई कर देना। एनी डिग्री स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कैसे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या आप लोग को सीखने का मौका मिलेगा। इस प्रोग्राम का नाम है SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों को SBI की तरफ से फ्री में ट्रेनिंग भी मिलती है, यानी कुछ सिखाने के लिए आप लोग को ट्रेनिंग बेस्ड यहां पे सिखाया भी जाता है। उसके बाद आप लोग यहां पर मंथ आप लोग स्टिपेंड भी मिल रहा होगा एज अ फेलोशिप, जो कि आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों में जो भी लोग एलिजिबल हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी एक और अपडेट है, जो लोग अभी गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, गेट 2024 का रिजल्ट आ चुका है और PWNs ने फिर से टॉपर्स ही टॉपर्स दिए हैं गेट 2024 एग्जाम में। अगर आप लोग भी नेक्स्ट ईयर इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हो तो PW के न्यूली लॉन्च बैचेस को चेकआउट कर सकते हो गेट एग्जाम के लिए, जैसे गेट 2025 पराक्रम 2.0 बैच है, विजय रैंक इंप्रूवमेंट बैच है जो कि गेट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है, इसके अलावा श्रेष्ठ 2.0 बैच है जो कि ब्रांच स्पेसिफिक बैच है, श्रेष्ठ 2.0 बैच है गेट 2026 PSC और प्लेसमेंट के प्रिपरेशन के लिए, एक श्रेष्ठ बैच है जो कि केमिकल इंजीनियर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया है इस बैच को, इसके अलावा एक पराक्रम बैच है कंप्यूटर साइंस एंड DA वाले स्टूडेंट के लिए, एक श्रेष्ठ बैच है गेट PSC और प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए, एक पराक्रम बैच है जो कि ESC गेट और PSU की प्रिपरेशन करा रहा है 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, श्रेष्ठ बैच है ESC गेट और PSU की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों को PW में इन्फिनाइट लर्निंग का ऑप्शन मिलता है विद दी बैच ऑफ इन्फिनिटी, जहां पर आप लोगों को डाउट सॉल्विंग खजाना, गेट PYQ बुक्स, इन सब का भी मिलता है। अगर आप इनमें से किसी भी बैच में इनरोल करते हो कूपन कोड में TM500 जरूर यूज कर लेना, जिससे आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ इन बैचेस में आप लोगों को लेक्चर प्लानर, टेस्ट प्लानर का एक्सेस मिलता है, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है, MCQs लाइव लेक्चर, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट्स मिलती हैं, और आप लोगों को ओनली 3999 में यहाँ पे गेट खजाना का भी एक्सेस मिलता है, जिसमें आप लोगों को रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलते हैं इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के, DPPs और DPP सॉल्यूशंस भी आप लोगों को गेट खजाना में दिए जाते हैं, तो ये आप चेक कर लेना। सेल्फ स्टडी के लिए आप लोग गेट वाला की टॉपिक वाइज गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक को भी परचेज कर सकते हो, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को दे दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट SBI की पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को SBI का जो यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम है उसके बारे में बता देता हूँ, ये होता क्या है। तो SBI का जो ये यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम है वो रिकॉग्नाइज्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम है SBI फाउंडेशन का, जो कि एक 13 मंथ का लॉन्ग फेलोशिप प्रोग्राम है, जो कि इंडिया के यूथ जो हैं उनको, जो रूरल डेवलपमेंट के यूथ हैं उनको मौका मिलता है यहाँ पे टू वर्क ऑन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पार्टनरशिप विद एक्सपीरियंस NGO। यहाँ पे एक्सपीरियंस NGO के साथ आप लोगों को काम करने का मौका मिलता है, जो अर्बन डेवलपमेंट के यूथ हैं उनको मौका मिलता है रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे काम करने का। यहाँ पे जो ये आप का फेलोशिप प्रोग्राम, इसमें आप लोगों को बेसिकली जो फेलोज होते हैं उनको यहाँ पे जो भी हमारे गांव वगैरह हैं वहाँ पे जाने का मौका मिलता है, विलेज लोकेशन पे आप लोगों को यहाँ पे इस इंटर्नशिप को करने का मौका मिलता है। जिन स्टूडेंट को भी विलेज में थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो स्टूडेंट इस प्रोग्राम की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, या फिर आप किसी NGO के साथ काम करने का सोच रहे थे तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है ये पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम। और यहाँ पे इस प्रोग्राम को 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है, जैसे पहला फेज जो होगा उसमें आप लोगों को वीक लॉन्ग ओरिएंटेशन स्पेसिफिक यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग मिलने वाली है, जो कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, NGO एक्सपर्ट्स जो होंगे उनसे आपको कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। सेकेंड में आपकी पोस्ट ओरिएंटेशन आप लोगों को मौका मिलने वाला है NGO के सेंटर्स पर कुछ टाइम बिताने का और जानने का। थर्ड जो होगा वो आप लोगों को लोकल NGO जो स्टाफ्स होंगे वो हेल्प्स द फेलोज टू सेटल डाउन एट देयर लोकेशन, जो आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको लोकेशन वगैरह किस तरीके से कहाँ पे क्या काम करना है आप लोगों को वो समझा देंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रोग्राम में बेसिकली 10 कोजेज हैं जिन पर आप लोग काम कर सकते हो, 10 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो, सस्टेनेबल लाइवलीहुड पर काम कर सकते हो, आर्ट, हिस्ट्री, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, वाटर, जेंडर इक्वालिटी,
क्लाइमेट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये 10 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो और इस प्रोग्राम का आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को इंडियन सिटीजन ज्वाइन कर सकते हैं, नेपाल और भूटान के सिटीजन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी एज ओनली 21 से लेकर 32 के बीच में तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी फील्ड में किया हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका 1 अक्टूबर से पहले पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड थर्ड ईयर वाले कॉलेज स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सकते, जो फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट है वो इस पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो 2 स्टेजेस में एप्लीकेशन प्रोसेस है। पहली स्टेज जो है रजिस्टरिंग एंड ऑनलाइन असेसमेंट प्रोसेस है, जिसमें आप लोग को रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन ही, और उसके बाद आप लोग का एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा। उसके बाद सेकंड जो स्टेज है वो एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि आपका जो कैरेक्टर है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे कोई ये स्किल बेस्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं गया है, यह आपके कैरेक्टर को जानने के लिए एक इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे आपके बारे में ही बेसिक डिटेल पूछी जाएंगी। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन राउंड होगा, जिसमें आप लोग को बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। अगर हम बात करें सपोर्ट की, कि आप लोग को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना अर्निंग करने का मौका मिलेगा, तो यहाँ पे देखो इस प्रोग्राम के अंडर आप लोग को हर महीने 15,000 रुपये यहाँ पे मंथली अलाउवेंस, यानी कि आप लोग का एज अ स्टीपेंड ऑफर किया जाएगा हर महीने जब आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लोगे। इसके अलावा 1,000 रुपये एक्स्ट्रा स्टीपेंड आपको ऑफर किया जाएगा, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिस होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है जो कि आप लोग का प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस अगर कोई होता है हर महीने वो भी आपको पे किया जाएगा। टोटल यहाँ पे करीब 17,000 रुपीज आप लोग को पे किए जाने वाले हर महीने। इसके अलावा 70,000 रुपये जब आप लोग इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हो, 13 मंथ्स का प्रोग्राम है, उसके बाद आप लोग को 70,000 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है, जो कि एक रीएडजस्टमेंट अलाउवेंस है, जो कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है इसलिए आप लोग को 70,000 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टिपेंड ऑफर किया जाता है। इसके अलावा आप लोग जब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो आप लोग की जो ट्रेन टिकट्स वगैरह वो भी यहाँ पे SBI फाउंडेशन ऑफर करता है, और आपको हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्रोवाइड की जाते हैं इस प्रोग्राम में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। देखो अगर आपको कोई भी डाउट है तो इनका एक बार FAQ सेक्शन भी आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पे इनके FAQ सेक्शन में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे फेलोशिप से रिलेटेड कि ये प्रोग्राम कब लॉन्च होगा, कैसे आपको ज्वाइन करना है, और रूरल इंडिया में किस तरीके से रहना ज़रूरी है या नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है कि आप लोगों को कौन सी लोकेशन मिलेगी, किस टाइप से क्या होगा, तो सब कुछ आप लोग इनका FAQ सेक्शन देख लेना। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ज्वाइन करना चाहते हैं इनके प्रोग्राम को, लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब आप लोग लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने सबसे पहले इस टाइप का पेज ओपन होगा, SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2024-25। यहां पे अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा। ये जो प्रोग्राम है 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, 13 मंथ्स का प्रोग्राम है। अप्लाई नाउ का बटन पे आप लोग को क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ का बटन पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग को एक फॉर्म फिल करना होता है। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी, उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, उसके बाद आप लोगों को कहाँ पे आप लोग बॉर्न हुए थे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐड करनी है, मैरिटल स्टेटस बताना है, आप लोगों को सिटीजनशिप बतानी है, और कुछ बेसिक से क्वेश्चन लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह ऐड कर देनी है और कंटिन्यू कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग को इस फॉर्म को फिल करना है। तो 1 अगस्त से पहले आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, विद इन 1 मंथ आप लोग इस फॉर्म को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फिल कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के सिलेक्शन में कोई इशू ना हो। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अलग से मुझे कोई इंटर्नशिप पता चलती है, जैसे समर इंटर्नशिप मुझे पता चली थी कॉलेज स्टूडेंट के लिए, वो मैंने टेलीग्राम पर आज ही बता दिया था, तो अलग से कुछ भी वीडियो होती है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाती है। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।